hello students today i'm going to explain lesson the story of an invitation of english reader class seven i'm going to explain this lesson line by line in hindi i hope you will like this video so let's start with the topic the story of an invitation Ek ki kahani. the story is about two girls bertha sutherland and grace maxwell ये कहानी दो लड़कियों की है बर्था एंड क्रेस दे हैड कम टू डार्क माउथ टू अटेंड द अकेडमी एंड फ्राउंड हमसेल्स एज रूम मेट्स ये डार्क माउथ में आते हैं अकेडमी को अटेंड करने के लिए जहाँ दोनों एक दूसरे के रूम मेट्स थे द स्टोरी फोकसज ऑन द स्पेशल रिलेशनशिप एंड द स्ट्रॉग बोन्ड दैट बाइंड द टू गर्ल्स इन टू ए लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप जो ये कहानी है वो उन दोनों के दोस्ती पर आधारित है कि किस तरह से दोनों जब मिलते हैं तो वो दोनों ही व्यवहार में एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन कैसे धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं बैथा स्विटरलैंड है रीच होम फ्राम द पोस्ट ऑफिस एंड क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग हाउस टू तो हर रूम ऑन द थर्ड फ्लोर जो बैथा स्विट्जरलैंड है वो पोस्ट ऑफिस से भागकर घर आती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाती है उस आराम ग्रह की या बोर्डिंग हाउस जहाँ वो रहती थी अपनी रूममेट के साथ थर्ड फ्लोर पर हर रूममेट जो कमरे में उसके साथ रहती थी ग्रेस मैक्सवेल ऑज सिटिंग ऑन दीवान बाय द विंडो लुकिंग आउट इंटू द टाइट और जो उसकी रूममेट थी ग्रेस वो दीवान पर बैठी थी जो खिड़की के सारे खिड़की के पास लगा हुआ था और बाहर जो सूरज ढलते सूरज की रोशनी थी उस वहाँ देख रही थी आईर अ गो बर्था एंड ग्रेस एट कम टू डार्ट माउथ और टेंट द एकेडमी एंड अफाउंड दमसेल्व्स रूममेट्स एक साल पहले बर्था और ग्रेस आते हैं डार्ट माउथ अकेडमी में एडमिशन लेते हैं दोनों पढ़ने के लिए आगे और दोनों ही एक दूसरे के रूम मेट्स थे बर्था वॉज ब्राइट प्रिटी एंड पॉपुलर एंड फेवरेट ऑफ अवर क्लासमेट्स एंड टीचर जो बर्था थी वह बहुत सुंदर थी और अपने जितने भी उसके साथी थे सहपाठी थे और जितने भी अध्यापक थे सबके बीच वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning. She was quite alone in the world. जो Grace थी वो बहुत ही शांत थी और हर समय बहुत उदास रहती थी और जब वो कपड़े भी थे बहुत उदासी वाले पहनती थी बहुत ही क्योंकि उस उसका संसार में कोई नहीं था द वो हैट डॉटर अप है रिसेंटली डाइड उसकी एक आंटी थी जिन्होंने उसे बड़ा किया था उनकी भी अब मृत्यु हो चुकी थी एट फॉर्च यू हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्थ था बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स एंड द यर दैट फॉलो आउट वॉज अ वेरी प्रेजेंट वन जब शुरू में वो बर्था से मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्माती है उसके सामने क्योंकि बर्था बहुत ज़्यादा अलग नेचर की थी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी लेकिन दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं और जो एक साल उन्होंने साथ बिताया वह बहुत ही खुशनुमा था इट एड ऑलमोस्ट सेंडेड नाउ फॉर द टर्मिनल एग्जाम्स एट बिगन एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज और जो फर्स्ट उनका जो सेमेस्टर था जो फर्स्ट ईयर था वो एंड होने वाला था क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स थे वो शुरू होने वाले थे और उसके बाद जो स्कूल था वो बंद होने वाला था छुट्टियों के लिए हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस एट बर्था गेली बर्था ग्रेस से कहती है कि कुछ उसे चॉकलेट ऑफर करती है देते हुए कहती है कि ये नहीं खाओ आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइन दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली वो कहती है कि मुझे एक लेटर मिला था आज रात को जिसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी उसके लिए खबर है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए एक अच्छे तरीके से सो आई वेंट इन टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स इसीलिए वो कर्टर्स की शॉप पे जाती है और जितना भी उसके पास कैश बचा हुआ था उससे वो कैरामल्स ख़रीद के लाती है चॉकलेट इट्स रियली रियलीफॉर्चुनेट दैट टर्म इज ऑलमोस्ट आउट फोर एम एम नियरली बैंक वो कहती है बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा ये साल है वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि वो उसके जो सारे पैसे थे अब ख़त्म होने वाले थे आई हैव जस्ट इनफ लेफ्टिश टू फॉर कॉमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर वो कहती है कि जो आने वाली जो उसकी उन एक उनका जो एक सेलिब्रेशन था एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मेरे पास उस रात के लिए जो कपड़े पहने थे उनको खरीदने के अलावा उसके पास कोई कैश नहीं बचा था वट कुड बी द गुड न्यूज़ दैट बर्था रिसीवड इन और लेटर वो क्या गुड न्यूज़ थी जो बर्था को उस लेटर में मिलती है व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क एट ग्रेस ग्रेस उससे पूछती है कि तुम्हारी जो गुड न्यूज़ है यानी खुशखबरी है वो क्या है क्या मैं पूछ सकती हूँ यू नो आई हैव एन आंट आंट मारग्रेट कॉमनली कॉल कॉल्ड आंट मैग आउट एट रिवर्स डेल डोंट यू वो कहते हैं कि तुम जानती हो कि मेरी एक आंटी है आंट मारग्रेट जिन्हें आंट मैग कहा जाता है रिवर्स डेल के पास देयर वॉज दे देर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंट इन द वर्ल्ड कि उनकी तरह बहुत अच्छी जो उसकी आंटी थी उनके जैसा कोई भी संसार में नहीं हो सकता आई हैड लेटर फ्रॉम अ टू नाइट कि उनके उन उनका एक पत्र मुझे आज मिला है रात को लिसन आई विल रीड यू वॉट शी सेज़ कि मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है वो क्या कहती हैं आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़ विद मी माई डियर मेरी फेयर वेदर एंड लुइस फ़िश एंड लेली डैनिस आर कमिंग टू कि मैं चाहती हूँ तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ बिताओ मेरी फेयर वेदर एंड लुइस फिश एंड लिली वो भी आ रहे हैं सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर एंड देट एंड देट वन मस्ट भी योर सेल्फ वो कहती हैं कि उनके पास एक रूम बचा है जिसमें वो चाहती हैं कि बर्था आकर रहे कम टू रिवर्स स्टेल वैंड स्कूल क्लोजिंग एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड ड्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड इन स्पाइस कि जब तुम्हारे स्कूल ख़त्म हो जाते हैं बंद हो जाते हैं तो तुम यहाँ मेरे पास आओ मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज क्रीम पाउंड केक और, और कुछ सामान है ऐसा खाने का जिसका वो नाम लेती हैं कि मैं तुम्हें खिलाऊंगी एंड ऑल द डिलीशियस इन डाइजेस्टिबल थिंग्स दैट स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर्स कंडम और ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो बहुत खाने में स्वादिष्ट होती हैं लेकिन जो जल्दी हजम नहीं होती जिन्हें स्कूल जाने वाली लड़कियाँ खाना पसंद करती हैं लेकिन जो मदर हैं वो उन्हें मना करती हैं मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हर्ट आई नो एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग्स यलोअर्स कि जो मैरी हैं लू एंड लिल है जो लड़कियाँ हैं उन्हें भी तुम जानती हो और तुम सब मिलकर हम सब मिलकर पिकनिक जाएंगे पार्टीज़ करेंगे और ऐसी चीज़ें जो तुम्हें पसंद आएंगी जिससे तुम खुश होगे। गए दे आर सेट बर्था लुकिंग अप विद लाव इज इन्ट दैट लवली जो बर्था है वो हंसते हुए कहती है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है हाउ डिलटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू सेट ग्रेस विस्टफुली जो ग्रेस है वो बहुत उत्साह से कहती है कि कितना अच्छा होता है जब तुम्हारे पास दोस्त होते हैं परिवार होता है जो तुम्हारे लिए ऐसे योजनाएं बनाते हैं तुम्हारे लिए खुश होते हैं तुम्हें प्यार करते हैं आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन पार्टी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी जो छुट्टियां हैं तुम बहुत अच्छी होंगी खुशनुमा होंगी एज फॉर मी एम गोइंग टू गोइंग इन टू क्लाकमैन बुक स्टोर अनटिल स्कूल रीओपनस आई सो मिस्टर क्लॉक मैन टुडे एंड ही अग्री टू टेक मी और कहती है कि मैं जब तक स्कूल नहीं दोबारा खुल जाते हैं क्लॉर्कमैन का जो बुक स्टोर है वहाँ काम करने जा रही हूँ आज मैं क्लॉर्कमैन के पास गई थी और वो मुझे रखने को लेने को तैयार हो गए हैं बट हा सरप्राइज शी हैड नॉट नोन वट ग्रेस वेकेशन प्लान्स का बट बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ग्रेस के क्या प्लान्स हैं अपनी छुट्टियों को लेकर आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट ग्रेस शी सेड थॉटफुली यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट वो उसे कहती है कि ग्रेस तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है वो सोचते हुए कहती है कि तुम इतनी मजबूत नहीं हो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है इट विल बी ऑफुली टायरिंग टू वर्क एट क्लाक ऑल समर वो कहती है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बहुत थकाने वाला होगा अगर तुम पूरा महीना वहाँ उनकी दुकान पर काम करती हो पूरी गर्मियों में देर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू सेट ग्रेस ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली वो कहती है कि और कुछ मेरे पास करने के लिए है भी नहीं यू नो आई एम एज़ पोर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस बट ही एंड द सिंपल ट्रूथ इज दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट आई डू समथिंग टू अर्न इट वो कहती है कि मैं इतनी गरीब हूँ जैसे कि एक चर्च में रहने वाला चूहा होता है जो एक तरह से एक प्रोवर्ब है लुकोक्ति जिसे कह सकते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आने वाले जो गर्मियां हैं उसमें अपने बोर्ड की फ़ीस दे सकूं और जो मेरे विंटर के आउटफिट्स हैं यानी सर्दियों के कपड़े ले सकूं तो मुझे उनके लिए कमाना पड़ेगा आई शेल बी टू बिज़ी टू बी लॉन्ग एंड आई शल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूजी लेटर्स फ्राम यू टेलिंग मी ऑल योर फन पासिंग ए वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड यू सी कि मैं अकेले रहने से अच्छा है कि मैं ज़्यादा बिज़ी रहूँगी और मुझे तुम अपने लेटर्स में लिखकर बताना कि तुमने कैसे छुट्टियाँ बिताई तुमने क्या क्या मजे किए वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज़ एल्जबरा प्रॉब्लम्स कि मुझे जो अल्जब्रा की जो सम्स हैं से प्रॉब्लम थी कुछ पढ़ाई में कि मैं उन्हें भी करके देखूँगी उन आई ट्राइड दैम बिफोर डार्क बट आई कूडेंट सॉल्व दम कि मैंने उन्हें दोबारा करने की कोशिश की लेकिन मैं उन्हें नहीं कर सकी माई हैड एग्ड एंड आई फेल सो कि मेरे सिर में दर्द हुआ और मुझे बहुत मूर्खतापूर्ण लगा हाउ ग्लैड आई शैल बी मैन एग्जाम्स आर ओवर कि मैं बहुत खुश होंगी जब एग्जाम ख़त्म हो जाएंगे आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस एवनिंग बर्था कहती है कि मुझे उस सीनियर इंग्लिश को आज शाम को बैठकर दोहराना चाहिए बट शी मेड नो मूव टू डू सो लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया शी फ्रेंड्स फेस वो अपनी दोस्त का चेहरा पड़ रही थी हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक ग्रेस कितनी दुबली और कमज़ोर नज़र आ रही है श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन वेन शी हैड कम टू द एकेडमी एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन कि वो जब अकेडमी आई थी वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और उस वक्त भी जब वो आई थी तो कोई बहुत ज़्यादा मोटी या ऐसी नहीं थी कि जिसका शरीर गोरा हो या गुलाबी देखने में लगती हो वो उस वक्त भी पतली थी लेकिन अब उससे भी और ज़्यादा पतली हो गई थी आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड टू मंथ्स एट क्लाकमैन थाट पर था वर्ता सोचती है कि तो दो महीने तक क्लाकमैन की दुकान पर काम नहीं कर सकती इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट्स मैन आई वुड आस्क टू गो होम विद मी कि अगर मैं आंट मैग के घर नहीं जा रही होती तो मैं उसे अपने साथ छुट्टियों में साथ लेकर आती और इवन इफ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी और आंट मैग के पास एक अलग एक कमरा और होता तो मैं उनसे पूछ लेती कि क्या मैं उसको साथ ला सकती हूँ आंट मैग ऑलवेज शीवेजर बट शी हैज सो इट कॉन्ट बी कि आंट मैग बहुत समझदार हैं और वो इस बात को समझती लेकिन उनके पास अलग से कमरा नहीं है जस्ट दैन अ थाट डार्टेड इन टू बर्थाज ब्रेन लेकिन तभी एक जो विचार है वो तेजी से बर्था के दिमाग में आता है वट नॉन सेंस इज दैट अलाउड वो तेजी से बोलती है क्या बकवास है सो सडनली एंड पॉसिबली दैट ग्रेस फेयरली जम इतनी अचानक से और इतनी तेजी से बोलती है कि वो जो है ग्रेस है वो उछल के पड़ती है वट इज़ क्या है ओर नथिंग मच दैट बर्था गेटिंग अप रिस्की सी ही आर एम गोइंग टू गेट टू वर्क आई हैव वेस्टेड एनअ टाइम बर्था कहती है कि मैं काम करने जा रही हूँ मैंने पहले ही बहुत टाइम पर बात कर दिया है शी कॉल्ड ऑर सेल्फ अप ऑन दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश वो दीवान पर जाके बैठ जाती है और अपनी सीनियर इंग्लिश की किताब को पढ़ने की कोशिश करती है बट हर थाट्स hopelessly एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू bed। लेकिन जो वही विचार थे उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और वो वापस उसे रख देती है निराशा में और अब सोने चली जाती है दे शी कुड नॉट स्लीप वो सो नहीं पाती शी ले अवेक वो जागती रहती है एंड रेस्ल्फ विद सेल्फ और ख़ुद से ही वो एक तरह से जूझती रहती है इट वॉज़ आफ्टर मिड नाइट वन शी अप इन बैड एंड सैड चॉमनी आई विल डू इट आधी रात को वो उठ के बेड पे बैठ जाती है और अपने आप से ही कहती है कि मैं ये करूंगी नेक्स्ट डे बर्थ और ऑट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैक शी थैंकड वो आंट मैक को एक पत्र लिखती है शी थैंक फॉर हर इन्विटेशन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस वो उन्हें धन्यवाद का पत्र लिखती है कि उन्होंने उसको बुलाया उसके लिए और फिर वो उन्हें ग्रेस के बारे में बताती है एंड वट आई वॉन्ट टू आस्क आंट मैग इज दैट विल यू लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड आसर टू गो टू रिवर्स टेल दिस समर इन माई प्लेस वो कहती है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी जगह इस निमंत्रण को ग्रेस को दे सकती हैं और गर्मियों में उसको अपने पास रिवर्स ट्रेल बुला सकती हैं डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल मुझे ऐसा मत समझना कि मैं आभारी नहीं हूँ इसके लिए नो आई एम श्योर यू वॉन्ट यू ऑलवेज़ अंडरस्टैंड थिंग्स कि आप ऐसा नहीं समझोगे आप हमेशा चीज़ों को समझती हो बट यू कॉन्ट है ग्रेस शुड गो वो कहती है कि आप दोनों को नहीं रख सकते और मैं चाहती हूँ कि ग्रेस जाए इट विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज़ नन कि मेरे पास अपना घर है जहाँ मैं जा सकती हूँ लेकिन ग्रेस के पास नहीं है आंट मैक अंडरस्टूड एज यूजल एंड वॉज परफेक्टली विलिंग आंट मैक समझ जाती हैं हमेशा की तरह और वो उससे खुश थी सो सो शी रोट टू बर्था एंड क्लोज नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस वो वापस बर्था को लिखती हैं और ग्रेस के लिए एक निमंत्रण का जो पत्र है वो भेज देती हैं आई शेल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली रिफ्लेक्टेड बर्था बर्था कहती है कि मुझे इस बात को बहुत सावधानी से करना होगा ग्रेस मॉस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन परपज ग्रेस को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने ये जानबूझ कर किया आई विल टेल हर दैट सर चांसेज प्रिवेंटेड मी फ्राम एक्सेप्टिंग इन्विटेशन मैं उसे बताऊँगी कि जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि मैं आर्ट मैक का जो निमंत्रण है वो स्वीकार कर सकूं दैट इज ट्रू एनफ नो नीड टू से दैट द सर्कम्स टांसेज आर हर्स नॉट माइंड यही ठीक है और ये नहीं कहना चाहिए कि सरकम स्टांसेज उसके साथ हैं परिस्थितियाँ उसके फेवर में हैं और मेरे नहीं एंड आई विल से आई जस्ट आर सो आट मैक टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैज़ डन सो कि मैंने उसे ये बताऊँगी कि मैंने आर्ट मैक से पूछा कि मेरी जगह तुम्हें खुला और उन्होंने वैसा किया When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her story and gave her Aunt Mag's cordial note. जब Grace घर आती है history के exam देकर तो Bertha उसे सारी कहानी बताती है और Aunt Mag का जो हार्दिक निमंत्रण था वो देती है You must come to me in Bertha's place. प्लेस the letter. Letter लेटर में लिखा था कि तुम मेरे पास आओ बर्था की जगह I feel as if I knew. यू फ्राम हर लेटर्स एंड आई विंसिडर यू एज अ सॉट ऑफ ऑनररी नीज एंड आई विल ट्रीट यू एज ए फ्यू व बर्था हर सेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है मैं बर्था के जो लेटर्स हैं उसमें जो उसने तुम्हारे बारे में लिखा है उसे तुम्हें जानती हूँ और मैं तुम्हें अपनी भतीजी ही समझूँगी और ऐसे ही ट्रीट करूँगी जैसे बर्था तुम बर्था ही हो इज इट स्पलेंडेड ऑफ आंट मैं कहती है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है क्या शानदार बात नहीं है सेट बर्था डिप्लोमेटिकली उसने कूटनीतिक की तरह जवाब दिया ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेस ग्रेस तुम जरूर जाओगी ओ आई डोंट नो सेट ग्रेस इन बीविल्डर मैन घबराहट में ग्रेस कहती है कि मुझे नहीं पता आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो बर्था क्या तुम्हें पक्का विश्वास है बर्था तुम नहीं जाना चाहती इन डीद आई डो वॉन्ट टू गो टू ड्रेडफुली सेट बर्था फ्रेंकली बर्था उसे बताती है कि ज़रूर है ऐसा कि मैं जाना चाहती हूँ बट आई हैज़ ऑफ टोल्ड यू मैंने तुम्हें जैसा बताया है इट इज़ इम्पॉसिबल ये संभव नहीं है बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैग मस्ट नॉट बी कि अगर मैं निराश हूँ तो आंट मैग को निराश नहीं करना चाहिए यू मस्ट गो तुम ज़रूर जाओ ग्रेस एंड दैट इज़ ऑल देयर इज अबाउट इट और ये जो लेटर है वो इसी बारे में है इन द एंड ग्रेज डिट गो लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड टू एस्केप द ड्रगरी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड हीट ऑफ द सिटी लास्ट में ग्रेस जाती है थोड़ी सी वो आश्चर्यचकित होती है कन्फ्यूज होती है और उससे संदेह भी होता है लेकिन फिर भी वो शुक्र गुजार होती है कि वो उस काउंटर पर खड़े होकर काम करने से वहाँ के शोर से और शहर की गर्मी से बच गई बर्था वेंट होम बर्था घर चली जाती है फीलिंग फिलिंग लिटिल बिट ब्लू इंड सीक्रेट इट कैन नॉट बी डिनाइड बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ़ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम बर्था को अच्छा नहीं लग रहा था लेक इस बात को मना नहीं किया जा सकता लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ा खुश थी कि अगर उसे दोबारा भी ऐसा करना पड़ा तो वो यही करेगी तो समर स्लिप्ड क्विकली बाय एंड फाइनली टू लेटर्स केम टू बर्था वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस गर्मी की छुट्टियां जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं और बर्था के पास दो लेटर आते हैं एक आंट मैग की तरफ से ग्रेस की तरफ से आई हैव हैड अ लवली टाइम रॉट द लेटर एंड ओ बटी वट डू यू थिंक कि मैंने बहुत अच्छा समय बिताया तो मैं क्या लगता है आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस कि मैं हमेशा रहने वाली हूँ कि मैं स्कूल खुलने के बाद अगले महीने आऊँगी लेकिन उसके बाद यही मेरा घर होगा आंट मैग शी मेक्स मी कॉल हर दैट सेज़ आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड आंट मैग ने कहा है कि मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए इन आंट मैक्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ और आंट मैग के लेटर में ये पैराग्राफ था ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर ग्रेस ने तुम्हें तो लिखा होगा और बताया होगा कि मैं उसे यहाँ रखना चाहती हूँ यू नो आई हैव ऑलवेज वांटेड अ डॉटर तुम जानती हो कि मुझे एक हमेशा बेटी चाहिए थी ऑफ माय ओन मेरी अपनी बट माय ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड नेवर गिव मी वन ऑफ़ देयर्स लेकिन मेरे लालची भाई बहन मुझे अपना अपनी बेटी नहीं देंगे सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस इसलिए मैं ग्रेस को गोद लेना चाहती हूँ शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है पूरी दुनिया में और मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारी कि तुमने उसको मेरे पास भेजा यू विल नॉट नो हर यू सी हर तुम उसे जब देखोगी तो नहीं पहचान पाओगी शी इज ग्रोन प्लम्प एंड रोजी वो अब थोड़ी सी मोटी हो गई है और गुलाबी हो गई है बर्थ ऑफ फोल्ट लेटर्स ऑफ विद स्माइल बर्था अपने जो पत्र हैं उनको मुस्कुराते हुए बंद करती है आई हैव अ वॉक डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक वो कहती मेरे पास एक अस्पष्ट बहुत ही खुश करने वाली एक एहसास है कि मैं एक कहानी की किताब में एक अच्छी एंजल हूँ यानी जिस उसने बर्था ने ग्रेस को आंट मैक से मिलवाकर एक बहुत अच्छा काम किया है सो द स्टूडेंट स्टोरी इज ओवर आई हैव एक्सप्लेन ऑल द लेसन इन हिंदी एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू and subscribe my channel for more videos. Thank you.